बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आते हैं एंड द क्वेश्चन दैट कम्स इज मेनी एंटरप्रेन्योर्स हैव डेलीगेटेड बट इट हैज़ बैकफायर्ड. नाउ दे आर अफ्रेड टू डेलीगेट वंस अगेन सिंस वंस बिटन ट्वाइस शाय. हाउ टू चेंज दिस माइंडसेट. तो मुद्दा ये उठता है कि डेलीगेशन किया आपने और वो बैकफायर हो गया और वो चीज़ आपके पास वापस आ गया और अभी आपको डेलीगेशन करने से डर लगता है, आप कतराते हैं, लेकिन इसका कोई सार नहीं. सबसे पहला बात तो डेलीगेशन किए बिना चीज़ों को आपके हाथ से नहीं निकालेंगे तो आप अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे. ऊपर का सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे का सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा. तो आज के तारीख में आप अकाउंट्स देख रहे हैं तो समबडी हैज़ टू डू इट फॉर यू टुमारो. आज आप सेल्स देख रहे हैं तो कल कोई और आपके लिए वो करना चाहिए. आज आप परचेज देख रहे हैं तो कल वो आपके लिए कोई देखना चाहिए. देयरफॉर डेलीगेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नाउ डेलीगेशन करने के पहले हमारा मास्टरी इन एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस गुरुकुल में हम सिखाते हैं कि डेलीगेशन करने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आदमी को आप दे रहे हैं वो उस काम के लिए M3 या M4 है कि नहीं. M1 का मतलब है लो मैच्योरिटी, वो काम करने की मैच्योरिटी लो है. M2 का मतलब है मीडियम, यू नो, लो टू मीडियम मैच्योरिटी. M3 का मतलब है मीडियम टू हाई मैच्योरिटी और M4 मैच्योरिटी का मतलब है हाई मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी एंड विलिंगनेस. एक जगह पे एबिलिटी होना चाहिए, दूसरे जगह पे विलिंगनेस होना चाहिए. मैंने अगर कोई काम किसी को दे दिया, सौंपा है, उसमें वो काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा उस काम करने की विलिंगनेस होना चाहिए. एबिलिटी के अंदर उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का, उसके पास उस काम का नॉलेज होना चाहिए, उस काम का स्किल होना चाहिए. विलिंगनेस का मतलब है वो काम करने के लिए वो कॉन्फिडेंट है, एंथुजियास्टिक है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ इनिशिएटेड है, मतलब सेल्फ इनिशिएटिव लेगा. ये दोनों हाई रहेगा, एबिलिटी और विलिंगनेस, तो वो M4 पे रहेगा एंड देयरफॉर उसके हाथ में डेलीगेट किया जा सकता है. आपने डेलीगेट किया एक ऐसे आदमी जिसके पास विलिंगनेस है, काम करने की इच्छा है लेकिन काम करने की क्षमता नहीं, या आपने डेलीगेट किया उस आदमी के हाथ में जिसमें काम करने की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं, लेकिन या हो सकता है कि आपने ऐसा आदमी के हाथ में डेलीगेट किया कि जिसका विलिंगनेस भी कम है और एबिलिटी भी कम है. तो किसी भी काम को देने के पहले आपको उसका मैच्योरिटी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जब वो M4 होगा, हाई मैच्योरिटी का हो, तो आप उसको डेलीगेट करेंगे. अब देखिए, डेलीगेट आपने किया, आप वो काम 10 साल से कर रहे थे तो आपने 10 बार गलती किया और आप उस गलती से सीखे. अभी आपको डेलीगेशन करने में क्यों डर लग रहा है, क्योंकि वो आदमी गलती कर रहा है, लेकिन जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे. तो गलती करना बहुत जरूरी है. सेम गलती करेगा तो ब्लंडर है, बार बार अगर सेम गलती करेगा तो ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक इज व्हेन एक बार कर लिया, लेकिन बार बार सेम चीज करेगा तो इसका मतलब है वो ब्लंडर है. एंड देयरफॉर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आदमी को वो काम के लिए तैयार है कि नहीं. जैसे मैंने कहा कि पहले आपको आई डू यू सी करके, इसे परचेस मैं देख रहा था और मैंने अभी परचेस को डेलीगेट किया, तो परचेस करने को जाने के टाइम पे आई डू यू सी, मैं आपको डेलीगेट करने वाला, तो आपको देखना है मैं कैसे परचेस कर रहा हूँ. उसके बाद यू डू आई सी, आप करो मेरे सामने परचेस, डायलॉग बाजी मारो, मैं देखूंगा कि कैसे है. उसके बाद वी डू, हम दोनों मिलके परचेस करने जाते. जब केमिस्ट्री एक हो गया, फिर एक टाइम आ गया कि आप इतने होशियार हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए कि आपके हाथ में पूरा काम सौंपा जा सकता है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको करते रहना है. मिस्टेक्स होने वाला है, गलतियाँ होने वाली है और थोड़ा पैसा जाएगा. ये पैसा जो है, जो जाएगा, उसे डेवलपमेंट फंड में डाल देना. कहने का मतलब ये आदमी को डेवलप करने के लिए इतना पैसा नुकसान होगा. जैसे आप बनने के लिए आपने बहुत नुकसान किया, वैसे उसको बनाने के लिए उसको भी अपने को डेवलपमेंट फंड, वो पैसा जो गया वो डेवलपमेंट फंड में से जाता है. किसी को भी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो गलतियाँ करेगा, उससे वो सीखेगा. जब तक वो गलतियाँ करके सीख रहा है तब तक डेलीगेशन राइट रास्ते पर है. अगर डेलीगेशन करने के बाद सेम चीज़ के लिए आपको पीछे फॉलोअप करना पड़ता तो पहली बात तो आपने उसका मैच्योरिटी को इवैल्यूएट नहीं किया होगा, या आपने सोचा होगा कि वो कर लेगा लेकिन वो होता नहीं है वैसा. तो काबिल आदमी के हाथ में ही आपको डेलीगेट करना है, जो आपसे उस काम को, जो, अच्छा, दूसरी बात, वो काम में वो उत्साहित होना चाहिए, वो काम करने की उसमें इच्छा होनी चाहिए, वो एंथुजियास्टिक है वो काम. अभी समझो मेरे को सेल्स पसंद नहीं और मैंने सेल्स डेलीगेट कर दिया, कैसे आदमी को सेल्स के नाम से नफरत है, कैसे चलेगा.
तो हर काम जिसको भी हम दे रहे हैं उस काम के लिए उसको काबिल बना के ही आपको देना है, और फिर उसको मॉनिटर करो पर हफ्ते में, फिर उसको 15 दिन में मॉनिटर करो, फिर बाद में 1 महीने में मॉनिटर करो, फिर उसको इंडिपेंडेंट बना दो। काम दे के एकदम छोड़ नहीं देने का है। यू नो, जब आप डेलीगेट करेंगे कोई चीज़ तो पहले बोलते हैं डेलीगेशन होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो, 4 लेवल पे होते हैं, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावरमेंट, एनेबलमेंट। डेलीगेशन में आपने उसको बोला व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, सब बता दिया, तो उससे पूछने का कि भाई तेरे को क्या समझ में आया, तो अभी एक परचेस करने जा रहा है तो क्या क्या करने वाला है, अच्छा 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 बढ़िया वंडरफुल, तो उसके बाद अभी ये प्रॉब्लम आया तो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम आया तो क्या करेगा। परचेस में आपने जो प्रॉब्लम देखे है, जो पिछले 10 साल में आपने जो प्रॉब्लम देखे, वो प्रॉब्लम को आप उसको सामने डालो, देखो कैसा रिएक्ट करता है, जैसे अपग्रेड करता है। और ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग करा देने का ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग करा देने का, आप यू नो वीडियोस बनाइए कि कैसे परचेस करने का, उसका वीडियो बनाइए, आप सेल्स कैसा करना उसका वीडियो बनाइए, आप यू नो ईआरपी सिस्टम कैसे चलाने का उसका वीडियो बना दीजिए, हर चीज़ की आप वीडियो बना लीजिए, और लोगों को इंडक्शन प्रोग्राम में वो सब दिखा दीजिए। ऐसे मेरे बहुत सारे सेल्स के वीडियोस हैं जो मेरे बच्चे देखते हैं, तो वो लोग सेल्स उसी में से सीख लेते हैं, हमारा वीपी है, जीएम है, जो भी है, वो लोग सब उसी से सीख लेते हैं। सो डेलीगेशन तो करते रहना है, और बैकफायर हो गया तो भी कंटिन्यूस करते रहना है, डरना नहीं है, गलतियाँ होगी, मिस्टेक होगी, मिस्टेक करने का मौका दिया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।